सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण आप किस गांव के रहने वाले हैं? बहादुर। बहादुर नहीं सुनाई दे रहा, थोड़ा जोर से बोलेंगे। बाजी बिघा। बहादी बिघा, ठीक है। तो लक्ष्मण, आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं उत्प्रेरण केंद्र में? 7 तारीख से सर। अच्छा, 7 अप्रैल से, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि उत्प्रेरण केंद्र में वैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जो बच्चे किसी न किसी कारण से विद्यालय बीच में छोड़ देते हैं, पढ़ने नहीं जाया करते हैं। तो आप बताएंगे कि आप अपने गांव में क्यों विद्यालय छोड़ दिए थे? नहीं सर, भट्टे पर मम्मी पापा लेकर चल जाते। अच्छा, क्या कहते थे मम्मी पापा? ये लोग भट्टे पर कमाने के लिए। कमाने के लिए जी। तुम जाते थे? जी। अच्छा, ठीक है। तो तुमको वहाँ अच्छा नहीं लगता था? अच्छा, चुप हो जाओ, आंसू पूछ लो, रोना नहीं। हम लोग तुम्हारे साथ हैं ना, देखो इतने दोस्त हैं, सर लोग हैं, है कि नहीं? तो तुमको क्या अच्छा लगता है? पढ़ने का मन करता है, क्योंकि तो सभी बच्चे को पढ़ते देखते होगे तो तुमको भी मन करता है ना। और भट्ठा पे काम करने पे तो शरीर में बहुत तकलीफ भी होता होगा। चलो, तो तुमको अच्छा लग रहा है कि तुमको भट्ठे पर से छुड़ा करके यहाँ पे लाया गया है? कौन लाया यहाँ पे? यहाँ पे कौन तुमको लाया? भट्ठे पर एक गाँव है सर, भट्ठे पर कैसे टूट जाता है सर। अच्छा, टांग तो कुल मेरा गांव का दूसरा बच्चा है था, तब मेरा भी बोला करती चलेगा कर तो खुला है, तब मैं बोला कि मैं भी जाऊंगा भैया पढ़ने के लिए। अच्छा, बच्चा ही तुमको बताया जी सर कि ये खुला है केंद्र, है ना? जी सर। फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे तुम यहाँ आए? जी सर, तो हाँ बोलो। हाँ, तुम किसके द्वारा साथ यहाँ पे आए? हाँ, कौन तुमको यहाँ लेके आया? हाँ, मम्मी घर में। अच्छा, मम्मी घर में आई। पहले तो मैं पढ़ेंगे नहीं, भट्टे पर नहीं जाएंगे हम पढ़ेंगे। हाँ, तो कभी तो मम्मी चलो हमको घर आने के लिए हमें पढ़ाएंगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो वही जो तुम्हारी मम्मी है, जो तुमको भट्ठा पे ले जाती थी, स्कूल नहीं भेजती थी, ठीक है, तो वही मम्मी फिर तुमको यहाँ कैसे पहुँचा दी? वो तो चाहती होगी कि तुम वहीं रहो, भट्ठा पे जाओ। कहें सर कि हम नहीं जाएंगे भट्ठा पे, मर जाएंगे तो कहाँ। अच्छा, मतलब तुम थोड़ा सा धमकाए, है ना? जी सर, तो डर गई है ना, सोची कि भाई बेटा है, कहीं कुछ कर लिया तो इससे डर के। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो मरने वाली बात है ना, मरना समाधान नहीं है। मानो तुम मर ही जाओगे तो वापस तो फिर वो आओगे नहीं, और तुम जो चाहते हो तो बन नहीं पाओगे, है ना? ठीक है ना? तो यहाँ पे तो देखो, 1 साल में तुमको कुछ कुछ सिखाया जाएगा, है ना? पढ़ने लिखने, जोड़ घटाओ, हिंदी अंग्रेजी। और यहाँ के बाद अगर तुम घर जाओगे तो फिर तुमको यहाँ से विद्यालय में नाम लिखाया जाएगा, और तुम्हारी कोशिश होना चाहिए कि फिर आगे के क्लास जो कक्षाएं हैं उसको तुम लगातार पढ़ो, मैट्रिक करो, फिर इंटर करो, फिर और आगे
मतलब 10वीं 12वीं, फिर बीए में, है ना। और फिर अपने मनपसंद का काम पढ़ लिख के करो, है ना। तो यहाँ से जाने के बाद मानो अगर तुम्हारी मम्मी कहती हैं कि चलो फिर से भट्ठा पे काम करने, तुम जो बोलता नहीं था, जाऊंगे सर, तो तुम कैसे बच पाओगे उससे? नहीं जाऊंगे। कैसे बचोगे? कुछ सोचे हो? तरीका तरीका कुछ सोचे हो? बड़ा भैया है, भैया भाभी रहते, भाभी छत, भैया छत रह जाएंगे। ठीक है। और भी यहाँ पे बच्चे भट्ठे पे जाते थे क्या? जो जो जाते थे थोड़ा हाथ उठाओ। कौन कौन बच्चा भट्ठा पे जाता था? अच्छा, इधर भी कोई जाता था? इधर भी हाथ उठाओ। ओहो, काफी बच्चे जाते थे ना। ठीक है, तो सभी बच्चों को अब भट्ठे पे नहीं जाना है ना। हम बच्चों ने ठाना है भट्ठे पर नहीं जाना है ना। चलो, हाथ अब नीचे कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, है ना बच्चों, कि भाई अकेले हम रहेंगे तब तो मम्मी पापा ले जाएंगे, तो हम क्या ऐसा करें जिससे कि हमको मम्मी पापा भट्ठे पे ना ले जाएं? बताओ, क्या करोगे जाके यहाँ से? अभी और भी कुछ अभी बताया गया था ना। हाँ, और बोल अभी कुछ बताया गया था क्या करने के लिए जिससे कि भट्ठे पे हम जाने से बच सकते हैं? समूह बनाने की बात हुई थी ना। 10-15 लड़का मिलके समूह बना के पढ़ना सभी लोग। हाँ, हम लोग एक अपना बाल समूह बना सकते हैं क्या? जी सर, उस समूह का नाम क्या रखेंगे? हाँ, बाल समूह का दे कुछ नाम भी दे सकते हैं, अच्छा सा, फलाना बाल समूह समूह ऐसे करके। हाँ, फलाना बाल तो समूह। फलाना तो हमने उदाहरण दिया, जी सर, कोई एक नाम अच्छा सा दे सकते हैं? कौन सा नाम? कोई भी बच्चा बताओ। हाँ अरे हम देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, तुम लोग कोशिश करो, लड़ाई तो तुमको लड़नी है ना। कोई एक नाम बताओ। हाँ, क्या नाम रखा था सुनील? बहुत अच्छा, जोर से बोलो। वाह, वेरी गुड। तो हम लोग जाके एक समूह बना सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस बाल समूह, गांव का फिर नाम ये गांव है ना। उसमें क्या करेंगे हम लोग? मीटिंग करेंगे, बैठकें करेंगे, बच्चों को क्या क्या समस्याएं आ रही है उस पे आपस में चर्चा करेंगे, ठीक है। और कोई भी ऐसी समस्या है जिससे बच्चे की सुरक्षा है ना को खतरा है, उसकी इज्जत को खतरा है, उसको उसका अधिकार नहीं मिल रहा है, तो उससे संबंधित जो भी गांव के सम्मानित लोग हैं, गांव के प्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, ठीक है, थाना है, थाना में पुलिस को भी हम लोग बता सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग जाके करेंगे, है ना। सब बच्चे करेंगे? वेरी गुड। तो चलो एक बार नारा फिर से हो जाए कि हम बच्चों ने थाना है। हाँ, चलो एक बार फिर से बोलो। हाँ, शुरू से पहला लाइन क्या था? हाँ, तो सब एक ही साथ बोलेंगे, हम बच्चों ने ठाना है भट्ठा पर नहीं जाना है। चलो, वेरी गुड। चलो ताली बजा दो जोर से।